से लड़का होता है उसको लड़के के ऊपर क्रश होता है, तो ये एक तरह से लव ट्रायंगल सीन बन जाती है कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है, तो वो इसी इल्यूजन में रहती है कि हो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की, तो इंटरेस्ट आता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है, तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। तो वो सोचती है कि वो गिफ्ट जो है मेरे लिए, तो गाना गाते हुए देखती है कि वो उसका क्रश जो गिफ्ट लाया हुआ था वो किसी और लड़की ने पहना हुआ है। तो उसे समझ आया कि उसका क्रश किसी और को पसंद करता है, तो वो बहुत टूट जाती है और रोने लगती है और ऐसा लगता है कि वो हार चुकी है। फिर वो देश छोड़ के कहीं और चले जाते हैं दूसरी कंट्री में, वहाँ उसे पता चलता है कि उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो उसे पसंद करता है। तो बाद में वो लोग अच्छे से रहते हैं और शादी कर लेते हैं और इस तरह से मनिया भी एंडिंग होती है। तो ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है, मस्त वाला ड्रामा। रिवर्स रन्स थ्रू इट, ये 2021 में बनी हुई चाइनीज ड्रामा है। इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बनाई हुई होती है जो कि एक कॉलोनी से आते हैं, वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो वो बहुत हसल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के ऊपर क्रश आ जाता है और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है, तो ये एक तरह से लव ट्रायंगल सी बन जाती है कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है, तो वो इसी इल्यूजन में रहती है कि हो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की, तो इंटरेस्ट आता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है, तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। तो वो सोचती है कि वो गिफ्ट जो है मेरे लिए, तो गाना गाते हुए देखती है कि वो उसका क्रश जो गिफ्ट लाया हुआ था वो किसी और लड़की ने पहना हुआ है। तो उसे समझ आया कि उसका क्रश किसी और को पसंद करता है, तो वो बहुत टूट जाती है और रोने लगती है और ऐसा लगता है कि वो हार चुकी है। फिर वो देश छोड़ के कहीं और चली जाती है दूसरी कंट्री में, वहाँ उसे पता चलता है कि उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो उसे पसंद करता है। तो बाद में वो लोग अच्छे से रहते हैं और शादी कर लेते हैं और इस तरह से हमें घर भी एंडिंग होती है। तो ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है, मस्त वाला ड्रामा। रिवर्स रन्स थ्रू इट, ये 2021 में बनी हुई चाइनीज ड्रामा है। इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बनाई हुई होती है जो कि एक कॉलोनी से आते हैं, वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो वो बहुत हसल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के को क्रश आ जाता है और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है, तो ये एक तरह से लव ट्रायंगल सी बन जाती है कि जो लड़का है लड़की
थोड़ी पढ़ाई मिलती है, जो कि एक कॉलोनी से आते हैं, वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो वो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के ऊपर क्रश आ जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है। ये जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है, जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी इल्यूजन में रहती है कि वो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की। तो वो एक ट्विस्ट आता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है। तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है, और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। तो वो सोचती है कि वो गिफ्ट जो है मेरे लिए। तो गाना गाते हुए देखती है कि वो उसका क्रश जो गिफ्ट लाया हुआ था वो किसी और लड़की ने पहना हुआ है। तो उसे समझ आया कि उसका क्रश किसी और को पसंद करता है। तो वो बहुत टूट जाती है और रोने लगती है, और ऐसा लगता है कि वो हार चुकी है। फिर वो देश में कहीं और चली जाती है दूसरी कंट्री में, और उसे पता चलता है कि उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो उसे पसंद करता है। तो बाद में वो लोग अच्छे से रहते हैं और शादी कर लेते हैं, और इस तरह से हमारी हैप्पी एंडिंग होती है। और ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो वो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और वो फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के ऊपर क्रश आ जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है। ये जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है, जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी इल्यूजन में रहती है कि हो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की। तो वो एक ट्विस्ट आता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है। तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है, और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। तो वो सोचती है कि वो गिफ्ट जो है मेरे लिए। तो गाना गाते हुए देखती है कि वो उसका क्रश जो गिफ्ट लाया हुआ था वो किसी और लड़की ने पहना हुआ है। तब उसे समझ आई कि उसका क्रश किसी और को पसंद करता है। तो वो बहुत टूट जाती है और रोने लगती है, और ऐसा लगता है कि वो हार चुकी है। फिर वो देश में कहीं और चली जाती है दूसरी कंट्री में, और उसे पता चलता है कि उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो उसे पसंद करता है। तो बाद में वो लोग अच्छे से रहते हैं और शादी कर लेते हैं, और इस तरह से हमारी हैप्पी एंडिंग होती है। और ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है, मस्त वाला ड्रामा। इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बनाई होती है, जो कि एक कॉलोनी से आते हैं, वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो वो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और वो फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के ऊपर क्रश आ जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है। ये जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है, जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी इल्यूजन में इसी
जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है, तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है। ये जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। जैसे लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है, तो वो इसी इल्यूजन में उसका क्रश उसे पसंद करता है, लड़की ऐसा बिल्कुल नहीं था, तो वो बहुत खुश है।
Thank you.
करते हैं वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है तो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के ऊपर क्रश आ जाता है और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है। तो यही तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। जैसे लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी ही इल्यूजन में इसी इल्यूजन में रहती है कि हो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की। तो इस तरह जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। तो वो सोचती है कि गिफ्ट जो है मेरे लिए है। तो गाना गाते हुए देखती है कि वो उसका क्रश जो गिफ्ट लाया हुआ था वो किसी और लड़की ने पहना हुआ है। तब उसे समझ आया कि उसका क्रश उसी को पसंद करता है। तो वो वहाँ टूट जाती है और रोने लगती है और ऐसा लगता है कि वो हार चुकी है। फिर वो देश छोड़ के कहीं और चली जाती है दूसरी कंट्री में। वहाँ उसे पता चलता है कि उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो उसे पसंद करता है। तो बाद में वो लोग अच्छे से रहते हैं और शादी कर लेते हैं और इस तरह से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है। मस्त वाला ड्रामा। रिवर्स रन्स थ्रू इट, ये 2021 में मैंने मूवी चाइनीज ड्रामा है। इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बनाई होती है जो कि एक कॉलोनी से आते हैं। वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है तो वो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के ऊपर क्रश आ जाता है और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी ही इल्यूजन में इसी इल्यूजन में रहती है कि हो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की। तो एक ट्विस्ट आता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है। तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। तो वो सोचती है कि गिफ्ट जो है मेरे लिए है। तो गाना गाते हुए देखती है कि वो उसका क्रश जो गिफ्ट लाया हुआ था वो किसी और लड़की ने पहना हुआ है। तब उसे समझ आया कि उसका क्रश किसी और को पसंद करता है। तो वो वहाँ टूट जाती है और रोने लगती है और ऐसा लगता है कि वो हार चुकी है। फिर वो देश छोड़ के कहीं और चली जाती है दूसरी कंट्री में। वहाँ उसे पता चलता है कि उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो उसे पसंद करता है। तो बाद में वो लोग अच्छे से रहते हैं और शादी कर लेते हैं और इस तरह से हमें हैप्पी एंडिंग होती है। तो ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है। मस्त वाला ड्रामा। रिवर्स रन्स थ्रू इट, ये 2021 में मैंने मूवी चाइनीज ड्रामा है। इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बनाई होती है जो कि एक कॉलोनी से आते हैं। वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है तो वो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के ऊपर क्रश आ जाता है और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। जैसे लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी ही इल्यूजन में इसी इल्यूजन में रहती है कि
दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है।
जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है, तो वो इसी इल्यूजन में रहती है कि हो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की, तो इंटरेस्ट आता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है। तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। तो वो सोचती है कि गिफ्ट जो है मेरे लिए, तो गाना गाते हुए देखती है कि उसका क्रश जो गिफ्ट लाया हुआ था किसी और लड़की ने पहना हुआ है। जब उसे समझ आई कि उसका क्रश किसी और को पसंद करता है, तो वो बहुत टूट जाती है और रोने लगती है और ऐसा लगता है कि वो हार चुकी है। फिर वो देश छोड़ के कहीं और चली जाती है दूसरी कंट्री में, वहाँ उसे पता चलता है कि उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो उसे पसंद करता है। तो बाद में वो लोग अच्छे से रहते हैं और शादी कर लेते हैं, पर इस तरह से हमारी हैप्पी एंडिंग होती है और ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है। मस्त दूसरा लड़का होता है उसको लड़के के ऊपर क्रश होता है, तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है, तो वो इसी इल्यूजन में रहती है कि हो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की, तो इंटरेस्ट आता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है। तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। ये 2021 में बने हुए चाइनीज ड्रामा है। इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बनाई हुई होती है जो कि एक कॉलोनी से आते हैं। वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो वो बहुत हसल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के ऊपर क्रश आ जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है, तो वो इसी इल्यूजन में रहती है कि हो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की, तो इंटरेस्ट आता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है। तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। तो वो सोचती है कि गिफ्ट जो है मेरे लिए, तो गाना गाते हुए देखती है कि वो उसका क्रश जो गिफ्ट लाया हुआ था किसी और लड़की ने पहना हुआ है। तब उसे समझ आया कि उसका क्रश किसी और को पसंद करता है, तो वो बहुत टूट जाती है और रोने लगती है और ऐसा लगता है कि वो हार चुकी है। फिर वो देश छोड़ के कहीं और चली जाती है दूसरी कंट्री में, वहाँ उसे पता चलता है कि उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो उसे पसंद करता है। तो बाद में वो लोग अच्छे से रहते हैं और शादी कर लेते हैं, और इस तरह से हमारी हैप्पी एंडिंग होती है और ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है। मस्त स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो वो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर
करने के लिए और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के की ओर क्रश आ जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़के के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी ही इल्यूजन में ऐसी इल्यूजन में रहती है कि वो समझता है उसका क्रश उसे पसंद करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की। तो एक ट्विस्ट होता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है, तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। तो वो सोचती है कि गिफ्ट जो है मेरे लिए। तो गाना गाते हुए देखती है कि उसका क्रश जो गिफ्ट लाया हुआ था वो किसी और लड़की ने पहना हुआ है। तो उसे समझ आया कि उसका क्रश किसी और को पसंद करता है। तो वो बहुत टूट जाती है और रोने लगती है और ऐसा लगता है कि वो हार चुकी है। फिर वो देश छोड़ के कहीं चली जाती है दूसरे कंट्री में, और उसे पता चलता है कि उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो उसे पसंद करता है। तो बाद में वो लोग अच्छे से रहते हैं और शादी कर लेते हैं। और इस तरह से हमें कहने की होती है। तो ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है, मस्त ड्रामा। एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, जिसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और वो फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के को क्रश आ जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़के के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी ही इल्यूजन में ऐसी इल्यूजन में रहती है कि वो समझता है उसका क्रश उसे पसंद करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की। तो एक ट्विस्ट होता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है, तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। तो वो सोचती है कि वो गिफ्ट जो है मेरे लिए। बाद में वो लोग अच्छे से रहते हैं और शादी कर लेते हैं। और इस तरह से हमें यह भी एंड होती है। ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है, मस्त ड्रामा। रिवर्स रन्स थ्रू इट, ये 2021 में बनी हुई चाइनीज ड्रामा है। इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बताई होती है जो कि एक कॉलोनी से आते हैं। वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो वो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के ऊपर क्रश आ जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी ही इल्यूजन में ऐसी इल्यूजन में रहती है कि वो समझता है उसका क्रश उसे पसंद करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है
इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बताई होती है, जो कि एक कॉलोनी से आते हैं, वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के ऊपर क्रश आ जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है, क्योंकि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है, जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी ही इल्यूजन में, इसी इल्यूजन में रहती है कि हो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश नहीं करती है उसको बताने की। तो वो एक ट्विस्ट आता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है, तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है। और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। तो वो सोचती है कि वो गिफ्ट जो है मेरे लिए है। तो गाना गाते हुए देखती है कि उसका क्रश एक गिफ्ट लाया हुआ था, वो किसी और लड़की ने पहना हुआ है। तब उसे समझ आई कि उसका क्रश किसी और को पसंद करता है, तो वो वहाँ टूट जाती है और रोने लगती है, और ऐसा लगता है कि वो हार चुकी है। फिर वो देश छोड़ के कहीं और चली जाती है दूसरी कंट्री में, और उसे पता चलता है कि उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो उसे पसंद करता है। तो बाद में वो लोग अच्छे से रहते हैं और शादी कर लेते हैं। और इस तरह से मनिया भी एंड होती है, और ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है, मस्त वाला ड्रामा। इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बताई होती है, जो कि एक कॉलोनी से आते हैं, वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो वो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के क्रश आ जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है, कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है, जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी ही इल्यूजन में, इसी इल्यूजन में रहती है कि हो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की। तो वो एक ट्विस्ट आता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है, तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है। और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। तो वो सोचती है कि वो गिफ्ट जो है मेरे लिए है। तो गाना गाते हुए देखती है कि वो उसका क्रश जो गिफ्ट लाया हुआ था वो किसी और लड़की ने पहना हुआ है। तब उसे समझ आई कि उसका क्रश किसी और को पसंद करता है, हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के ऊपर क्रश आ जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल
दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है, तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है। ये जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी इल्यूजन में रहती है कि हो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की। तो एक ट्विस्ट होता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है, तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। तो वो सोचती है कि गिफ्ट जो है मेरे लिए। तो गाना गाते हुए देखती है कि वो उसका क्रश जो गिफ्ट लाया हुआ था वो किसी और लड़की ने पहना हुआ है। तब उसे समझ आया कि उसका क्रश किसी और को पसंद करता है। तो वो वहाँ टूट जाती है और रोने लगती है और ऐसा लगता है कि वो हार चुकी है। फिर वो देश छोड़ के कहीं और चले जाते हैं दूसरी कंट्री में। वहाँ उसे पता चलता है कि उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो उसे पसंद करता है। तो बाद में वो लोग अच्छे से रहते हैं और शादी कर लेते हैं और इस तरह से हमारी हैप्पी एंडिंग होती है। और ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है। रिवर्स रन्स थ्रू इट, ये 2021 में बनी हुई चाइनीज ड्रामा है। इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बनाई होती है जो कि एक कॉलोनी से आते हैं। वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो वो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के ऊपर क्रश आ जाता है और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी इल्यूजन में रहती है कि हो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है
जाते हैं वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं, एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो वो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के ऊपर क्रश आ जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है। ये जो लड़का है लड़की को पसंद देता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद देती है। तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी इल्यूजन में रहती है कि हो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की। तो वो एक क्रश होता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है, तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। तो वो सोचती है कि वो गिफ्ट जो है मेरे लिए। तो गाना गाते हुए देखती है कि उसका क्रश जो गिफ्ट लाया हुआ था वो किसी और लड़की ने पहना हुआ है। तो उसे समझ आया कि उसका क्रश किसी और को पसंद करता है। तो वो बहुत टूट जाती है और रोने लगती है और ऐसा लगता है कि वो हार चुकी है। फिर वो देश होते कहीं और चली जाती है दूसरी कंट्री में, और उसे पता चलता है कि उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो उसे पसंद करता है। तो बाद में वो लोग अच्छे से रहते हैं और शादी कर लेते हैं, और इस तरह से हमारी हैप्पी एंडिंग होती है। और ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है। रिवर्स रन्स जो है ये 2021 में बनी हुई चाइनीज ड्रामा है। इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बनाई होती है जो कि एक कॉलोनी से आते हैं। वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो वो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के ऊपर क्रश आ जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है। ये जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी ही इल्यूजन में रहती है कि हो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको
सकता है, उसका क्रश उसे पसंद करता है, लेकिन क्या ऐसा बिल्कुल नहीं था, तो कोशिश भी करती है उसको बताने की। तो एक ट्विस्ट आता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई गाना पसंद है, तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है, और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है, तो वो सोचती है कि वो गिफ्ट जो है मेरे लिए। तो गाना गाते हुए देखती है कि वो उसका क्रश जो गिफ्ट लाया हुआ था वो किसी और लड़की ने पहना हुआ है, तब उसे समझ आया कि उसका क्रश किसी और को पसंद करता है, तो वो बहुत टूट जाती है और रोने लगती है, और ऐसा लगता है कि वो हार चुकी है। फिर वो देश छोड़ के कहीं और चली जाती है दूसरी कंट्री में, और उसे पता चलता है कि उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो उसे पसंद करता है, तो बाद में वो लोग अच्छे से रहते हैं और शादी कर लेते हैं, और इस तरह से हमारी हैप्पी एंडिंग होती है, और ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है, मस्त वाला ड्रामा। इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बनाई होती है, जो कि एक कॉलोनी से आते हैं, वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है, ये लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो वो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है, तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है, कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है, तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी इल्यूजन में रहती है कि हो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है, क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है, तो ये 2021 में बने हुए चाइनीज ड्रामा है। इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बनाई होती है, जो कि एक कॉलोनी से आते हैं, वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है, ये लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के ऊपर क्रश आ जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है, तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है, कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है, तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी इल्यूजन में रहती है कि हो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की। तो एक ट्विस्ट आता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है, तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है, और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है, तो वो सोचती है कि वो गिफ्ट जो है मेरे लिए। तो गाना गाते हुए देखती है कि वो उसका क्रश जो गिफ्ट लाया हुआ था वो किसी और लड़की ने पहना हुआ है, तब उसे समझ आया कि उसका क्रश किसी और को पसंद करता है, तो वो बहुत टूट जाती है और रोने लगती है, और ऐसा लगता है कि वो हार चुकी है। फिर वो देश छोड़ के कहीं और चली जाती है दूसरी कंट्री में, और उसे पता चलता है कि उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो उसे पसंद करता है, तो बाद में वो लोग अच्छे से रहते हैं और शादी कर लेते हैं, और इस तरह से हमारी हैप्पी एंडिंग होती है, और ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है, मस्त वाला ड्रामा। रिवर्स रन्स थ्रू रेड, ये 2021 में बने हुए चाइनीज ड्रामा है। इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बनाई होती है, जो कि एक कॉलोनी से आते हैं, वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है, ये लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो वो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के ऊपर क्रश आ जाता है,
दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है, तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है, तो वो इसी ही इल्यूजन में इसी इल्यूजन में रहती है कि पसंद है उसका क्रश उसे पसंद करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश
वहाँ से पता चलता है कि उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो उसे पसंद करता है, तो बाद में वो लोग अच्छे से रहते हैं और शादी कर लेते हैं। और इस तरह से ना मेरी हैप्पी एंडिंग होती है और ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है। Yeah.
सा लड़का होता है तो उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है, तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है तो उसे लड़के को पसंद करती है। तो उसे लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी इल्यूजन में रहती है कि वो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की, तो एक ट्विस्ट आता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है, तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। ये 2021 में बने हुए एक चाइनीज ड्रामा है। इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बनाई होती है जो कि एक कॉलोनी से आते हैं, वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। ये लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के रूप में क्रश आ जाता है और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है, तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। जैसे लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी इल्यूजन में रहती है कि हो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की, तो एक ट्विस्ट होता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है, तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है, तो वो सोचती है कि वो गिफ्ट जो है मेरे लिए है। तो गाना गाते हुए देखती है कि उसका क्रश जो गिफ्ट लाया हुआ था वो किसी और लड़की ने पहना हुआ है, तो उसे समझ आया कि उसका क्रश किसी और को पसंद करता है, तो वो बहुत टूट जाती है और रोने लगती है और ऐसा लगता है कि वो हार चुकी है। फिर वो देश छोड़ के कहीं और चली जाती है दूसरी कंट्री में, वहाँ उसे पता चलता है कि उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो उसे पसंद करता है। तो बाद में वो लोग अच्छे से रहते हैं और शादी कर लेते हैं और इस तरह से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है, मस्त बहुत ड्रामा। रिवर्स रन्स थ्रू इट, ये 2021 में बने हुए चाइनीज ड्रामा है। इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बनाई होती है जो कि एक कॉलोनी से आते हैं, वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। ये लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो वो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के रूप में क्रश आ जाता है और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है, तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी इल्यूजन में रहती है कि हो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की, तो एक ट्विस्ट आता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है, तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है, तो वो सोचती है कि वो गिफ्ट जो है मेरे लिए है। तो गाना गाते हुए
जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है, तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है। तो जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। तो जो लड़की का जो क्रश होता है तो उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी इल्यूजन में रहती है कि हो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की। तो वो इंटरेस्ट होता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है। तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। तो वो सोचती है कि वो गिफ्ट जो है मेरे लिए। तो गाना गाते हुए देखती है कि वो उसका क्रश जो पहनाया हुआ था वो किसी और लड़की ने पहना है। इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बताई होती है जो कि एक कॉलोनी से आते हैं। वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है तो वो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी इल्यूजन में रहती है कि हो सकता है उसका क्रश उसे पसंद करता है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की। तो वो इंटरेस्ट होता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है। तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। तो वो सोचती है कि वो गिफ्ट जो है मेरे लिए। तो गाना गाते हुए देखती है कि वो उसका क्रश जो गिफ्ट लाया हुआ था वो किसी और लड़की ने पहना है। तो उसे समझ आई कि उसका क्रश किसी और को पसंद करता है। तो वो बहुत टूट जाती है और रोने लगती है और ऐसा लगता है कि वो हार चुकी है। फिर वो अंधे छोड़ते कहीं और चली जाती है दूसरी कंट्री में। वहाँ उसे पता चलता है कि उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो उसे पसंद करता है। तो बाद में वो लोग अच्छे से रहते हैं और शादी कर लेते हैं और इस तरह से मनिया भी एंडिंग होती है। और ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है। इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बताई होती है जो कि एक कॉलोनी से आते हैं। वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए।
हाजीपुर में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के क्रश आ जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है। ये जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी इल्यूजन में रहती है कि पसंद है उसका क्रश उसे पसंद करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की। तो वो एक क्रश होता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है, तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। तो वो सोचती है कि गिफ्ट जो मेरे लिए, तो गाना गाते हुए देखती है कि वो उसका क्रश जो गिफ्ट लाया हुआ था वो किसी और लड़की ने पहना हुआ है। तो उसे समझ आई कि उसका क्रश किसी और को पसंद करता है, तो वो बहुत टूट जाती है और रोने लगती है और ऐसे लगता है कि वो हार चुकी है। फिर वो देश छोड़ के कहीं और चली जाती है दूसरी कंट्री में, और उसे पता चलता है कि उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो उसे पसंद करता है। तो बाद में वो लोग अच्छे से रहते हैं और शादी कर लेते हैं, और इस तरह से हमारी हैप्पी एंडिंग होती है। और ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है, मस्त वाला ड्रामा। इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बनाई होती है, जो कि एक कॉलोनी से आते हैं, वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो वो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के क्रश आ जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसके क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी इल्यूजन में इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बनाई होती है, जो कि एक कॉलोनी से आते हैं, वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो वो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के क्रश आ जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी इल्यूजन में उसका क्रश उसे पसंद करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की। तो वो एक ट्विस्ट आता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है, तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। तो वो सोचती है कि गिफ्ट जो है मेरे लिए, तो गाना गाते हुए देखती है कि वो उसका क्रश जो गिफ्ट लाया हुआ था वो किसी और लड़की ने पहना हुआ है। तो उसे समझ आया कि उसका क्रश किसी और को पसंद करता है, तो वो बहुत टूट जाती है और रोने लगती है और ऐसा लगता है कि वो हार चुकी है। फिर वो देश छोड़ के कहीं और चली जाती है दूसरी कंट्री में, और उसे पता चलता है कि उसका जो दूसरा
एक नए स्कूल में एंटर करते हैं, एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो वो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और वो फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़की को क्रश आ जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है, कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। दूसरी लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है, जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी ही इल्यूजन में, इसी इल्यूजन में रहती है कि वो समझता है उसका क्रश उसे पसंद करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की, तो इंटरेस्ट आता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है। तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। तो वो सोचती है कि वो गिफ्ट जो है मेरे लिए है। तो गाना गाते हुए देखती है कि वो उसका क्रश जो पहले लाया हुआ था वो किसी और लड़की ने पहना हुआ है। तब उसे समझ आई कि उसका क्रश किसी और पसंद करता है, तो वो वहाँ टूट जाती है और रोने लगती है और ऐसे लगता है कि वो हार चुकी है। फिर वो देश छोड़ के कहीं और चली जाती है दूसरी कंट्री में, और उसे पता चलता है कि उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो उसे पसंद करता है। तो बाद में वो लोग अच्छे से रहते हैं और शादी कर लेते हैं, और इस तरह से मनिया भी एंड होती है। और ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है, मस्त बहुत अच्छा ड्रामा। इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बताई जाती है, जो कि एक कॉलोनी से आते हैं। वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं, एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो वो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और वो फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के ऊपर क्रश आ जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है, कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। तो जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है, जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी ही इल्यूजन में, इसी इल्यूजन में रहती है कि वो समझता है उसका क्रश उसे पसंद करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो बहुत कोशिश भी करती है उसको बताने की, तो वो इंटरेस्ट आता है जब उसको पता चलता है कि उसके क्रश को कोई और पसंद है। तो वो अपने क्रश के लिए गाना गा रही होती है, और उसके क्रश ने एक गिफ्ट खरीदा होता है जो उस लड़की ने पहले ही देख लिया होता है। तो वो सोचती है कि वो गिफ्ट जो है मेरे लिए है। तो गाना गाते हुए देखती है कि वो उसका क्रश जो पहले लाया हुआ था वो किसी और लड़की ने पहना हुआ है। तो उसे समझ आया कि उसका क्रश किसी और को पसंद करता है। तो वो वहाँ टूट जाती है और रोने लगती है, और ऐसे लगता है कि वो हार चुकी है। फिर वो देश छोड़ के कहीं और चली जाती है दूसरी कंट्री में, और उसे पता चलता है कि उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो उसे पसंद करता है। तो बाद में वो लोग अच्छे से रहते हैं और शादी कर लेते हैं, और इस तरह से हमारी हैप्पी एंडिंग होती है। और ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है, मस्त बहुत अच्छा ड्रामा। रिवर्स रन्स जो है ये 2021 में बने हुए चाइनीज ड्रामा है। इसमें तीन फ्रेंड्स की स्टोरी बताई होती है, जो कि एक कॉलोनी से आते हैं। वो एक नए स्कूल में एंटर करते हैं, एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है, तो वो बहुत हासिल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और वो फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है दूसरे लड़के के ऊपर क्रश आ जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है उसको लड़की के ऊपर क्रश होता है। तो ये एक तरह से लव ट्राइंगल सी बन जाती है, कि जो लड़का है लड़की को पसंद करता है और लड़की है दूसरे लड़के को पसंद करती है। जो लड़की का जो क्रश होता है उसकी क्रश कोई और होती है, जिसके बारे में उस लड़की को पता नहीं होता है। तो वो इसी ही इल्यूजन में, इसी इल्यूजन में रहती है कि वो समझता है उसका
स्कूल में एंटर करते हैं एक नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। इसमें दो लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। जो लड़की होती है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती है तो बहुत हसल करती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और वो फाइनली उसको क्लियर कर लेती है। तो उस लड़की का जो होता है